हेलो। हाँ भाई, मैंने इंटरव्यू तो दे दिया है, बस तुम देख लेना एक बार। इस बार हो जाए भाई मेरा, मुझे बहुत ज़रूरत है इस नौकरी की भाई। ठीक है भाई। भैया आलमबाग चलोगे? हाँ चलेंगे। किराया कितना है? 70 रुपये किराया लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, हम चले जाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ भाई मानव, कैसे हो? बस ठीक हूँ, और तू बता कैसे याद किया? बस भाई एक काम था तुमसे। हाँ बोलो ना भाई। भाई क्या कुछ पैसे मिल जाएंगे? मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। आज ही एक इंटरव्यू देकर आया हूँ ना भाई। यार तुम्हें तो इतने दिनों से जॉब मिल रही है, और तुमने पहले भी पैसे लिए हुए हैं जो अभी तक तुमने वापस नहीं किए। फिलहाल देखो मेरे पास तो पैसे वैसे है नहीं, अपना देख लो भाई, मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है भाई कोई बात नहीं। हे भगवान, इस बार ये जॉब मुझे दिला देना, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो भगवान कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। प्लीज भगवान। भैया एक पेटीज दीजिए। ये लीजिए। मेरे पास और पैसे होते तो मैं इनको भी खिला देता। क्या क्या करूं? खाना दे दे। क्या सोच रहा है?
अभी तो सोच रहा था ना कि अगर तेरे पास पैसे होते तो तू मुझे भी खाना खिला देता। आपको कैसे पता चला बाबा? दुनिया देखी है बेटा, चेहरा देख के मन के भाव पढ़ लेता हूं। जी बाबा, सही कह रहे हैं आप बाबा। सुन बेटा। जी बाबा। हाथ दिखा। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा? रख ले, मेरा आशीर्वाद समझ के रख ले। आज तूने भूखे का पेट भरा है, भगवान तेरी झोली भरेगा, तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तू 10 गुना उन्नति करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी नीयत साफ रखना, क्योंकि नीयत साफ होगी तो ही बरकत होगी। जा। प्रणाम बाबा। हेलो। बोलो अर्जुन। जी अंकल जी। अरे क्या अंकल जी, 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया, पैसे कब दोगे? अंकल जी मैं जॉब की तलाश में हूँ, मिलते मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। मैं ये सब नहीं जानता, अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या किराया नहीं दोगे? मुझे आज के आज किराया चाहिए, वरना सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। रखो फोन। रवि भाई। हाँ कैसे हो भाई? भाई एक काम था तुमसे, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा क्या भाई? नहीं भाई, मैं जल्दी लौटा दूंगा भाई। कोई बात नहीं भाई। हाँ नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? हाँ सब ठीक है दीदी। दीदी एक थोड़ा जरूरत था मुझे कुछ। दीदी क्या कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं लौटा दूंगा दीदी, जल्दी लौटा दूंगा जी। कोई बात नहीं। प्रणाम अंकल। अंकल कैसे हैं आप? अंकल कुछ पैसों की जरूरत थी अंकल, हो जाएगा क्या भाई? कुछ पैसों की जरूरत थी भैया। नहीं नहीं भैया, इस बार मैं दे दूंगा भैया।
भैया एक चाय दीजिए। भैया पैसे जी। एक सिगरेट दीजिए। कितना हुआ? 10 रुपए। ये इतने पैसे? अभी तो सिर्फ 100 रुपए थे। ये क्या हो रहा है? मैं भी आता हूं। नब्बे का 900 कैसे हो गया? Thank you.
इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करोगे तो अपने आप शेयर मार्केट इसका बढ़ने वाला है, गारंटेड बढ़ने वाला है। मेरी बात मानिए, ऑक्सफोर्ड के शेयर अगर हम लोग ले लेंगे तो अपने आप इसके शेयर डबल होना तय है। वैसे भी मैं जिस कंपनी पर लगाता हूँ उसके शेयर 10 गुना बढ़ते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो मुझ पर आप ट्रस्ट करिए, आप मेरी कंपनी पसंद लगाइए, मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। तो फिर मैं डन समझू? जी डन, बिल्कुल। चलिए चलिए, मुलाकात होगी, बाय। हाँ बोल मानव। अरे कैसे हो मेरे शेयर मार्केट के किंग? मैं अच्छा हूँ, तो बता तू कैसा है? बस अच्छा हूँ, और तू चाहे तो और भी अच्छा हो जाऊंगा अगर ये बता दे कि तूने किस कंपनी के शेयर लिए हैं इस बार। तो क्या करेगा जानकर? यार तू इतना लकी है ना मेरे भाई, तू जिस कंपनी के शेयर लेता है ना उस कंपनी के शेयर की कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ जाती है। सोच रहा हूँ मैं भी इस बार अपना पैसा उसी कंपनी के शेयर में लगा दूँ, मेरा पैसा भी रातों रात 10 गुना हो जाएगा। अच्छा तो एक काम कर, तू ऑक्सफोर्ड कंपनी के शेयर खरीद ले, बहुत प्रॉफिट कमाएगा। मैं इस बार एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाला हूँ, मैंने अपना सारा पैसा ऑक्सफोर्ड कंपनी के शेयर में लगा दिया है। पागल हो गए हो क्या भाई, इतना बड़ा रिस्क मत ले यार। यार रिस्क लेकर ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, मुझे मत सिखा। भाई देख मेरा काम तो समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है फोन रख, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बाबू कुछ खाने को देना, सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। तो मैंने क्या तुम्हें खिलाने का ठेका रखा है? हैं? अच्छे खासे हो, मेहनत करो, कमाओ फिर खाओ, हर वक्त भीख मांगने चले आते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, मैं हूँ ना, अपने पूरे ग्रुप का पैसा लग गया। हाँ हाँ मिश्रा जी का भी लग गया, सबका लग गया पैसा। अरे भाई टेंशन मत लो, कल ऑक्सफोर्ड के शेयर डबल होने वाले हैं, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ टेंशन मत लो, सो जाओ। कल एक बार अपना चमत्कार फिर से दिखा देना, अपनी लाइफ का बहुत बड़ा गेम खेलने वाला हूँ। भाई न्यूज देखी तुमने? ऑक्सफोर्ड कंपनी दिवालिया हो गई है। क्या बक रहे हो यार? बक नहीं रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ, जिसने भी उस कंपनी के शेयर लिए थे सब बर्बाद हो गए। आज की सब
सबसे बड़ी खबर, शेयर मार्केट में मची खलबली। ऑक्सफोर्ड कंपनी हो गई दिवालिया घोषित। क्या शेयर मार्केट में लगाए हुए पैसे रिकवर कर पाएंगे लोग? जानने के लिए देखते रहिए केके न्यूज। हेलो 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 जी सर जी, ये क्या चल रहा है? न्यूज देखे? हाँ मैंने देख लिया न्यूज। तुमने तो कहा था मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ये क्या देखा? अरे, अरे, परेशान नहीं, मैं आपका पैसा दे दूंगा ना, आप परेशान मत होइए। मैं कुछ नहीं जानता, पैसे कैसे भी आना चाहिए। अभी बताता हूँ इनको, मुझसे अकड़ के पैसा मांगते हैं, इनके मुंह पे मारूंगा सारा पैसा। बस चल बेटा, चमत्कार दिखा अपना। अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? दिखाओ ना चमत्कार अपना, हमेशा तो करता था, आज क्या हो गया इसको? ये क्या हो रहा है? पैसा ज्यादा क्यों नहीं हुआ? एक बार फिर से करके देखता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी नीयत साफ रखना, क्योंकि नीयत साफ होगी तो ही बरकत होगी। मैंने क्या तुम्हें खिलाने का ठेका दे रखा है? मैंने क्या तुम्हें खिलाने का ठेका दे रखा है? तू तो बोल रहा था कल पैसे दे दूंगा, अब तू मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। इसका गाड़ी बंगला सब छीन लो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे आज के आज ही चाहिए। परसों दूंगा यही लगा रखा है। हमने सिर्फ आपके कहने पर आपके भरोसे पर पैसा लगाया था। कब आ गया तेरा दूसरा दिन? अरे अगले महीने बहन की शादी है यार, यहाँ बताऊंगा मैं, यहाँ बताऊंगा मैं। भैया सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। भैया कुछ नहीं खाया सुबह से, कुछ तो दे दो। आज तूने भूखे का पेट भरा है, भगवान तेरी झोली भरेगा। भगवान आपका भला करे भैया।